माही नहर में किसानों को पानी नहीं मिलने से किसान नाराज। सरकारें लाख दावे करे खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दुगनी करने के, परंतु झाबुआ जिले के पेटलावा तहसील में माही डैम परियोजना से किसानों के खेत में आज दिनांक तक पानी नहीं पहुंचा है। किसान संगठनों ने SDM से लेकर विधायक वाल सिंह मेड़ा को भी कई बार आवेदन दिए, परंतु माही विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। वहीं पेटलावत विधायक वाल सिंह मेड़ा ने मध्य प्रदेश की सरकार व सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज तक किसानों के खेत में पानी नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस सीजन में लोगों के खेतों में अभी तक पानी भी सिंचाई के लिए नहीं पहुंचा है। खाद को लेकर विधायक ने कहा, महंगे भाव का खाद लाकर खेतों में डाला जा रहा है, परंतु नहर में सिंचाई का पानी नहीं आने से गेहूं और खाद दोनों नष्ट हो रहे हैं। नहरों के सफाई के बारे में उन्होंने बताया कि इस बार नहरों की सफाई भी नहीं होने से नहरों में पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक वाल सिंह मेड़ा। किसानों को एक महीना पहले पानी मिलता था, आज अभी तक किसानों के खेत में पानी जाने के लिए दो पानी हो जाता था, लेकिन आज एक महीना पीछे हो गया और आज तक किसानों के खेत में पानी अभी तक नहीं पहुंचा। क्या कारण है इसका? मेरा सीधा यह आरोप है कि नहीं तो साफ सफाई हुई नहीं है कि, और नहीं तो जहाँ किसान ने एक दो खाद नहीं मिल रहा, फिर भी किसी भी लड़ झगड़ के हाथ में रोटी लेके जाते और खाद ला के खेत में बोनी करी, और आज किसान वहाँ खेत में बैठे हैं, रात दिन वहाँ खेत में बैठे पानी का इंतजार जाए कल आए, लेकिन किसानों के साथ किसानों के खेत में पानी नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि एक जो गेट खोलने वाले बड़े बड़े अच्छे किसान हैं वो वहाँ जाके गेट बंद कर देते हैं, तो किसानों के पास खेती में जो गरीब किसान आज बैंक का छुछड़ी का कर्जा लेके बैठे हैं, वो किसान अभी तक पहला पानी इसको नहीं मिला, तो दूसरा पानी कब मिलेगा? मेरा शासन से पूरा सीधा आरोप है कि किसानों को, शासन प्रशासन दोनों से मेरा इस किसानों के साथ लेके मेरा सीधा आरोप है, किसानों को समय पे पानी मिले और पानी तत्काल दे। तो आज तक ये किसान जब से गेहूं बोए तब तक ये पानी दो दो पानी हो जाता तो किसानों को कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन पिछले साल आज तक जो आप यहाँ खड़े हैं इस वक्त देशों भर में दो दो पानी इनको किसानों को मिल गया था, लेकिन आज पहला पानी किसानों को अभी तक नहीं मिला है, तो किसानों को तकलीफ है। ये मेरा सीधा शासन पे आरोप है कि इनके ऊपर भेदभाव ना करें और पानी तत्काल किसानों के खेत में पहुंचाए। मेरी समस्या ये है कि 13/11/2022 से नहर छूटी हुई है, उसमें पानी अभी तक 0.0 से हमारे यहाँ तक नहीं आया है, इसलिए हम आए या तो हमारे यहाँ पानी आए गेहूँ बो रखे, नहीं तो या तो नहर बंद कर दे या फिर खोद पीट के बंद कर दे, खत्म कर दे। पंथबोराली टेमरिया पंथबोराली टर्न था हमारा, जैसे कि 12 दिन का टर्न था, 12 दिन में से 12 दिन पानी आया पर हमारे इधर नहीं आया, हमारे पाड़ा तरफ आया, दोनों की पूर्ति नहीं हुई, पानी दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, पूरा पानी नहीं आ पाया, इसलिए अभी हमारा गेहूँ जैसे ऐसे ही पड़े खेत में। साहब बोल रहे अभी मीटिंग लेंगे, वो माही नहर वाले से मीटिंग लेंगे और फिर तुम्हारी समस्या का हल करेंगे, ये बताया है, अब हो या नहीं हो ये हम कह नहीं पाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुंडा परमार, पंथबोराली। TRT न्यूज के लिए झाबुआ से मनीष कुमार जैन की खास रिपोर्ट। माही नहर में किसानों को पानी नहीं मिलने से किसान नाराज। सरकारें लाख दावे करे खेती